everyone. Hello, dear students. Hello, everyone. भाई कैसे आप सब? दिव्य जनो भाई बहनों, आ जाइए जल्दी से. अच्छा, क्या दिखा रहा है? लाइव बैडमिंटन लिख रहे नालायक बच्चों. कैसे हैं आप सब? कितने दिनों के बाद हो रही है अपनी मुलाकात यार. मतलब कैसे हैं आप सब? कुछ वेट बढ़ा के नहीं बढ़ा तुम लोगों का, है ना? वेट वगैरह बढ़ा के नहीं बढ़ा तुम लोगों का, या वेट कम हुआ कि नहीं हुआ? और बाकी बताइए, तुम्हारे यहाँ पे कोविड केसेस कैसे चल रहे हैं, है ना? महीनों बाद, जी हाँ, महीनों बाद, सदियों बाद, वन टैबलेट एवरीडे. अच्छा खुशी जी, क्या बात है. सो नाइस टू हियर दिस डायलॉग्स. मतलब मैं वो डायलॉग भूल गया, तुम लोगों को डायलॉग याद है अभी? क्या बात है. बैडमिंटन मतलब मुझे मालूम ही नहीं ये चीज क्या है. ये स्पोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि इसमें शटल कॉक रहता है और बैडमिंटन की रैकेट रहती है, और इससे क्या ही तो हो सकता है. क्यों बच्चे बैडमिंटन लिखते हैं, बस मुझे वही पता नहीं है. शिनु बोल रही बहुत खराब हालत है तुम्हारे यहाँ पे. अरे बाप रे, क्या बात है. ढूंगे भी ढूंगा शिनु. अच्छा क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई. मतलब इट्स सो ऑसम टू सी यू ऑल एवरी टाइम यार, लाइक यू पीपल आर सो अमेजिंग. और मैंने आपके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी है. मतलब क्या बातें सुनी है मैंने आप लोगों के बारे में, क्या बातें सुनी है मैंने. मतलब ग्रुप वन मॉडल वन के टीचर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, मैं आपको क्या बताऊं बच्चों. मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं मॉडल वन के टीचर्स. मतलब कितनी रंगीली बात है आपकी, ये मुझे बहुत ज्यादा पता है ना, बहुत ज्यादा पता है. एंड सो नाइस, मतलब ऑफकोर्स सी सेट में तो अपन मिले हैं. काफी सारे लोग आज शायद मिलते होंगे. ऑल दोज हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हेलो एवरीवन, हाय, आई एम माई सेल्फ सी एस सी एम एस सुरेश टाटिया. एंड यस, मैं यस अकेडमी पे यहाँ पे लेता हूँ फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सर तो अपन एफ एस एम में क्या क्या पढ़ेंगे बड़ा? बहुत प्यारी प्यारी और बहुत बढ़िया चीजें पढ़ने वाली. मतलब आज की तारीख में डेस्ट, सच में बोलू ना, सबसे हॉट करियर अगर कहीं पे बन रहा है, सबसे हॉट मतलब क्या, सबसे हॉट करियर्स अगर कहीं पे बन रहे हैं ना, तो एफ एस एम में, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. एंड हेंस इंस्टीट्यूट ने यह समझ लिया कि अभी सिर्फ ना, अगर ट्रेडिशनल तरीके से जो अपनी प्रैक्टिस चला रहे, अगर वैसे ही चलता रहा ना, तो ज्यादा स्कोप नहीं रहने वाला. मतलब कुछ नया करना चाहिए. इकोनॉमी डायनामिक हो रही है तो करियर डायनामिक होने चाहिए. और वही अपनी प्यारी से इंस्टीट्यूट ने आपको ये सब्जेक्ट, जो पहले कहा था बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे, कहा पे था, जी हाँ, ये प्रोफेशनल लेवल पे जो सब्जेक्ट था उसको उठाकर लाके दिया उन्होंने एग्जीक्यूटिव लेवल पे, कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई बच्चों तुम पहले पढ़ लो ये, क्योंकि आज की तारीख में जिसको लक्ष्मी का मैनेजमेंट आता है, हाय हाय, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे सर हम पढ़ेंगे बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और मतलब सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब आसान भाषा में लक्ष्मी का मैनेजमेंट, बस दैट्स इट. तो आज की तारीख में भाई जिसको लक्ष्मी का मैनेजमेंट आता है उसको सब कुछ आता है, नहीं तो बाकी भाई तुमको दुनिया भर के लॉस पता है. सर मुझे दुनिया भर के सारे रूल्स पता है, सर मुझे सारे प्रोसीजर्स पता है. बेटा ये सब पता है, लेकिन अगर कंपनी के पास ये नहीं है ना, तो कंपनी नहीं है, और कंपनी नहीं है तो तुम्हारे प्रोसीजर्स का क्या करना है. सुनो एवरीबॉडी, अरे आई मिस यू मोर, आई मिस यू डियर स्टूडेंट्स, बिलीव मी आई मिस यू मोर. वी आर सुपर एक्साइटेड, और संजना आई एम इक्वली एक्साइटेड, बिलीव मी. देखते हैं कौन ज्यादा एक्साइटेड आप में से, या मतलब आप लोग या मैं. मतलब आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल. कितने दिनों, कितने महीनों बाद मिल रहे अपन. और मतलब और कुछ जमाने में बेटा, कुछ बच्चों ने तुमको याद है क्या, सोन पापड़ी के वादे किए थे, मतलब तुमको याद होगा, है नहीं? नहीं सर, ये तो नाम भी मत लिखना आप, सोन पापड़ी. अरे बेटा मतलब नाम क्या, मैं स्पेलिंग भूल चुका हूँ इसका. मतलब कितने लोगों ने क्या क्या वादे किए थे. अब छाड़ जा रहे, जान दीजिए. अरे अरे मुंह क्यों शर्मा रहे, अरे अच्छा देखिए मुंह शर्मा रहे. अरे सर सर देखो ये मुंह लटका रहे, बोल रहे नहीं नहीं सर, अरे कैसी वादे कर रहे, मुंह छुपा रहे. अरे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं बेटा, कैमरा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे तुम्हारा, है ना? मतलब तुम लोड़ी मत लो यार, तुम बिल्कुल लोड़ी मत लो. अरे नहीं 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 कुछ नहीं था. क्या कौन सा, क्या याद करोगे, कौन सा वादा? कोई वादा तो किया ही नहीं आपने. आपने भी बोला था पुणे में आओ ट्रिप चलेंगे. हाँ तो शिनु आओ, आओ आने के बाद बोलो. मैं तो ट्रिप जाके आया भाई, जबरदस्त किया अपने, पैक कैंप वैम्प एकदम जबरदस्त किए. बजना वाला था पर एड्रेस नहीं मिला, हाय हाय हाय. बड़े पूरा गूगल पे ना बस सर्च मारना सूरज टाटिया SGT. बड़ा मतलब कोऑर्डिनेट्स के साथ मेरा एड्रेस मिलता है वहां पे, कोऑर्डिनेट्स के साथ, है ना? मतलब कहीं से तुमको अगर ड्रोन डिलीवरी विलीवरी भी करना है बेटा, वो भी अवेलेबल है अपने यहाँ पे. ओके, अरे हाँ सर, अच्छा अभी याद आ रहा है. अच्छा मतलब कैसे लोग, वादा किया था तो निभाना पड़ेगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. चलिए, आई थिंक ये स्टूडेंट्स लेक्चर का टाइमिंग जो है वो जब ऑनलाइन आप देख रहे हो तो शायद ऐसा दिख रहा है कि स्केड्यूल फॉर टुमारो या ऐसा कुछ, बट आई डोंट नो व्हाई. मैंने 10 बार ट्राई किया उसको, वो मेरा अभी का टाइमिंग ले ही नहीं रहा. आई डोंट नो, मैंने नया सिस्टम अभी का एक लगाया है यहाँ पे. सो इज इट बिकॉज ऑफ द सिस्टम कि ये US का टाइम ले रहा है या क्या, बट आई हैव डन एवरीथिंग यार. मतलब मैंने टाइम जोन भी इंडिया का लिया,
बट आई थिंक कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा है कि शायद कल का लेक्चर, बस मैं ये नहीं चाहता कि ये मिस हो जाए किसी का। और जो प्लीज यार आपके जो भी ग्रुप्स रहेंगे, सी आई डोंट नो फॉर नाउ क्योंकि मैं मॉडल वन में नहीं था, आपके कौन से क्या क्या ग्रुप्स है, प्लीज यार आप वहां पे भेज दो कि लेक्चर स्टार्ट हो गया। प्लीज मेरे लिए इतना एक मैसेज डाल दो, मैं नहीं चाहता बस स्टार्टिंग किसी की मिस हो जाए। हाँ भले सेकंड एक आध लेक्चर मिस हो गया ना वो हो जाता है, स्टार्टिंग ही मिस हो गई ना बेटा खत्म। मतलब मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी आप ये स्टार्टिंग मिस करो, क्योंकि इतना जबरदस्त और इतना हॉट सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपका बहुत हॉट करियर बनने वाला है। मतलब समझ रहे हो ना तुम, इतना हॉट करियर बनेगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। सर सीएस में भी हॉट करियर, अरे मतलब सीएस बहुत कुछ कर सकता है, यू हैव नो आइडिया। सो आइए बच्चों जल्दी से अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे लेकिन इसके पहले प्लीज शेयर करिए। थैंक यू तन्वी, थैंक यू सो मच, यस ऑलरेडी शेयर भाई। बच्चों जल्दी से शेयर करके रख दो क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम जोन का डिफरेंस आ रहा है, मेरा लेक्चर कल का दिख रहा है। सो आई डोंट नो जो बच्चे ऐसे रुके होंगे कि वो लिंक आएगा तब, या फिर ऐसा उनको लगता रहेगा कि कल का लेक्चर आज है ही नहीं। सो प्लीज यार शेयर कर देना आप, और बस जल्दी से अपन स्टार्ट कर ले। सर मैं याद हूं या नहीं आपको, अल्तमश खान, अरे ऑफकोर्स बेटा ऑफकोर्स अल्तमश, वो नाम भी तेरा पसंद आया था मुझे, ये भी याद है। सर नोट्स कहाँ पर है? बड़ा ध्यान से देखना, आज तुमको कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, आज तुमको सब मेरे साथ ही करना है। और भाई बाकी नोट्स तो तुम लोड ही मत लो बड़ा, कलर्ड नोट्स मिलेंगे। कैसे नोट्स मिलेंगे सर? जी सर आपको मिलेंगे कलर्ड नोट्स। सर एफएम एसएम दोनों? यस बेटा, एफएम एंड एसएम दोनों के आपको मिलेंगे कलर्ड नोट्स। मतलब ऐसे जबरदस्त नोट्स बनाए कि देख के प्यार हो जाएगा। सर दिखाओ दिखाओ, सर दिखाओ दिखाओ बेटा, रुको तुमको ना प्यार में गिरने की बड़ी जल्दी हो गई है ना, तो रुको मैं सब दिखा देता हूँ तुमको, कोई नोट्स की अभी जरूरत नहीं। आज डे वन पे, आज डे वन पे आपको बस मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं आपको इस नए चैप्टर में जो ऑल टुगेदर एकदम नया है आपके लिए, उसके बेटा ए से शुरू करेंगे अपन और उसके जेड तक जाने वाले। लेकिन पहले इंट्रोडक्शन के लिए कोई भी नोट्स डायरेक्टली ओपन करके कुछ समझना नहीं है। सो आइए जल्दी से लेट्स क्विकली स्टार्ट। और भाई हाँ जी, अरे आपसे रुक लो, मतलब हार्ट, क्या हार्ट डाल देते यार बच्चे, यार ये तुम्हारे हार्ट से है ना बेटा, दिखाते यार कि क्या बॉन्ड है अपना। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सर मैंने लेक्चर एक्सटेंड कराया है, ओल्ड नोट्स में काम हो जाएगा? बिल्कुल वंशिका हो जाएगा, कंटेंट कुछ चेंज होगा। अच्छा बड़ा सबसे अच्छी बात क्या जानते हो मेरे सब्जेक्ट के बारे में, ये मेरा सब्जेक्ट है ना जस्ट लाइक माय एज, चेंज ही नहीं होता। मतलब समझ गया ना? हाँ, ये मेरा सब्जेक्ट जो है ना बेटा, ये जस्ट मेरे एज के जैसा है। अभी आपको क्या बताया, ये चेंज ही नहीं होता बेटा, इसमें कोई अमेंडमेंट का काम ही नहीं है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और यार ये जो तुम्हारा प्यार है ना, ये ही हमको मोटिवेट करता कि हर बच्चों कुछ नया लेके आए। मतलब सारे के सारे टीचर्स इतने एक्साइटेड ना भाई, मॉड्यूल टू तो ऐसा है कि भाई तोड़ देंगे। मतलब ये हर एक लेक्चर तोड़ते हैं, मतलब देखना मॉडल वन के हर एक टीचर हर एक लेक्चर तोड़ता, तोड़ तोड़ के लेता, इतना जबरदस्त पढ़ाता है। फिर भी जब मिलता ना तो बोलते सर मॉडल टू में तो इससे ज्यादा आग लगाएंगे। मैं भी सोच में पड़ता हूँ इससे ज्यादा आग लगाएंगे, मतलब क्या वोल्केनो फोड़ने वाले लग रहा है इस बार तो। राइट, तो इतने ज्यादा तरीके से, इतने प्रोएक्टिवली सारे टीचर्स को हमको एनर्जी मिलती है बस आप जैसे प्रोएक्टिव बच्चों से। थैंक यू सो मच फॉर योर लव डियर स्टूडेंट्स। राइट, एंड मतलब यही है यार जो हमारे लिए मोटिवेशन है। बाकी तो कोविड ने काफी दूर कर दिया है अपने को मिलना, लेकिन यस ऑफलाइन लेक्चर अपने यहाँ पे है। एंड जिन जिन को भी पॉसिबल, आई थिंक कल आपको विकास सर ने और चिराग सर ने बहुत ही अच्छे से बता दिया कि कैसे आप प्लान कर सकते हो सारी चीजों को। जिनको पॉसिबल डेफिनेटली आप ऑफलाइन आओ, जिनको नहीं पॉसिबल एब्सोल्युटली सोचना मत, कोई लोड मत लेना, ऐसा ही लेक्चर आपको रोज दिखना है। जो ऑफलाइन होता है वही वहां पे लाइव भी दिखना है, क्लियर रहेगा? यस वंशिका बोल रही है मतलब नो अमेंडमेंट्स, बिल्कुल वंशिका इसमें अमेंडमेंट्स नहीं होते, लेकिन हाँ न्यू कॉन्टेंट कुछ ऐड हो जाता है, कुछ कॉन्टेंट प्लस माइनस होता है, कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए जाते हैं, बट अमेंडमेंट जैसे टैक्स में आते हैं कुछ चेंज हो गया, वैसे बिल्कुल भी इसमें नहीं है। मतलब बस अपनी एज के जैसा बेटा, इसी पे अटका है ना 10 साल से 20 साल से बेटा, ये जो है वही है ना, भूतो ना भविष्यते, ऐसा ही रहेगा ये सब्जेक्ट। राइट, ना 100 साल पहले चेंज हुआ, ऑफकोर्स मतलब 100 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया, बट जो कोर है इसका ये हमेशा से ऐसे ही रहा है, और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट यस प्लस माइनस होते रहते, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं, कुछ टॉपिक्स जा सकते हैं, बट दैट्स वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। राइट, वेरी स्मॉल, बाकी 95% ऑफ योर एंटायर कंटेंट रिमेंस द सेम। ओके, ओ यस वंशिका थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। बाकी बच्चों अगर आपको माइक में आवाज परफेक्ट आ रहा है, मुझे बताओ आवाज परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्रीन परफेक्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर दिख रही तो भाई जल्दी से लाइक बटन ठोक दो ताकि मुझे समझ में आ जाए हाँ सब बढ़िया चल रहा है। वी आर गोइंग टू इमीडिएटली स्टार्ट। सर कितनी मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर में लीगल फैक्ट्स? बेटा देखो बुक्स तुमको एफएम का भी मिलेगा, एसएम का भी मिलेगा, वो दोनों कंबाइन करके चाहिए कंबाइन करके मिलेगा तुमको, अलग चाहिए अलग ले लो कोई फर्क नहीं, लेकिन पूरा सिलेबस मिलेगा। एफएम भी आएगा उसमें, एसएम भी आएगा उसमें, आपको चार्ट आएगा एक मेरा लास्ट मिनट चार्ट, सब बताऊंगा चलो लास्ट मिनट चार्ट है ना, कर दिया लाइक क्या बात है। मतलब भाई एनर्जी यार तुम लोगों की, एक वाक्य मेरा खत्म नहीं होता तब तक तो आपके 100 वाक्य यहाँ पे आ जाते, कैसे पढ़े हम, इतनी जबरदस्त एनर्जी है। चलिए इसी एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स
सही दिशा में ले चलते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का प्यारा का सब्जेक्ट, जिसका नाम है बेटा, बड़ा नाम है इसका क्या आज से सर प्यार से इसको कहेंगे लक्ष्मी मैनेजमेंट, सब मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो मेरा सब्जेक्ट जो है उसको हम प्यार से कहते हैं FSM शॉर्टकट। अब इसमें दो पार्ट है ना, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके साथ साथ में लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ चलो जल्दी से, और दूसरा एडिशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दूसरा क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब ये देखिए, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एडिशन, इसमें ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसका वेटेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा? अराउंड 60-65 मार्क्स इसके ऊपर आते हैं। इंस्टीट्यूट कहता है 60 मार्क्स, 40 मार्क्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है 5-6 मार्क्स की जरूरत। तो 60 से 65 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और 35 से 40 मार्क्स का ड्यूशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो 60 मार्क्स है, इसमें भी आप ऐसा पकड़ के चलिए रफली 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल, ओके, और 30 मार्क्स के ड्यूशन आपको आने वाले थ्योरी क्वेश्चन, ओके, और ये जो 40 है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ये एब्सोल्युटली थ्योरी है। तो वो बच्चे जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, या सर मेरा 11th में मैथ्स नहीं था, सर मेरा 12th में मैथ्स नहीं था, सर मैथ्स मतलब सर बस सर आप मुझे भले चाइनीज पढ़ने के लिए बोल दो मैं वो पढ़ लूँ सर, लेकिन बस मैथ्स मत पढ़ाना सर, मैथ्स से अपना 36 का आंकड़ा है सर जन्म लेने से पहले से, मतलब सर मैं क्या मेरे पापा मेरे मम्मी ये भी सर मैथ्स से ना इनकी बनती नहीं थी, तो सर जन्म लेने से पहले मेरा 36 का आंकड़ा था मैनेजमेंट के साथ, मतलब मैथ्स के साथ। बड़ा अगर आपको मैथ्स के साथ तकलीफ भी हो, मैथ्स आपको पसंद हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा अपने आप समझ लो 30 मार्क्स का थ्योरी है यहाँ पे और 40 मार्क्स का थ्योरी है, तो अभी भी 70 मार्क्स का ड्यूशन थ्योरी आपको आने वाला है इस फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। बस फर्क ये रहेगा कि ये थ्योरी अनलाइक योर थ्योरी विच इज इन लॉ और अ वेरी फंडामेंटली थियोरटिकल सब्जेक्ट, दिस थ्योरी इज नॉट सच, दिस थ्योरी इज प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी। क्या बोलता उसको मैं, स्पेशली इन FM ये जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होगा। इसका मतलब क्या, ये होंगे थ्योरी क्वेश्चन पर इसका जवाब देने के लिए आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो आपके होंगे ना वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। आपको मैथ्स पसंद था नहीं था बड़ा, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, राइट। आपसे पढ़ने के बाद मैथ्स से क्या डर, क्या बात है, थैंक यू सो मच, राइट। अच्छा भाई ध्यान से देखना, आपको मैथ्स का कुछ आता हो या ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम स्टार्ट करेंगे, जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इतना बेसिक से, इतना बेसिक से मतलब बस भाई ऐसा लग रहा है कि तुमको प्राइमरी स्कूल से अपन पढ़ाने वाले हैं ना, मतलब तुमने ना बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, टेंथ, पूरे आपकी स्कूल प्री स्कूल है ना, सबकी फीस भर देनी चाहिए, फिर अपन सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, क्लियर है? ओके चलो, तो भाई चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो मैंने आपको फॉरवर्ड से पेपर पैटर्न दिखा दिया। अच्छा ये मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो रिएक्शन है MCQ बेस्ड है ना, तो इसको आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने नहीं, 3 घंटे का पेपर होगा नहीं आपका, 100 क्वेश्चन 2 घंटे खत्म फटाफट से आपको मिला, ये एक MCQ बेस्ड एग्जाम आपकी हो जाएगी, राइट। तो 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, लिखना कुछ भी नहीं है, ये 30 मार्क का ही प्रैक्टिकल है, 30 मार्क का इसमें भी थ्योरी है और ये तो 40 मार्क का पूरा थ्योरी है। अब बस इस थ्योरी के बारे में आपको बस इतना याद रखना है, ये थ्योरी आपकी जो फंडामेंटली थियोरटिकल सब्जेक्ट होते हैं वैसे नहीं रहती है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो फिर इस थ्योरी के आपको जवाब लिखते हैं, राइट। नाउ यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ दिस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी वंस वी रियली स्टार्ट विद इट। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, राइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिंपल है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब तुमको ऐसा लगे ना कि सर मतलब आज जान ही नहीं बची मेरे में, कुछ है ही नहीं सर दिमाग में, जा ही नहीं रहा, बहुत काम है सर, ये एग्जाम चल रही है सर, वो एग्जाम चल रही है सर, उस सब्जेक्ट का टेस्ट है सर, इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, तब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन फुर्सत से पढ़ेंगे बड़ा, एकदम मजे ले लेंगे, क्योंकि उसमें कोई लोड का काम नहीं, आसानी से समझ में आ सकता है। जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है आपने सुना होगा आपके सीनियर से, वो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वो भी सिर्फ क्यों जानते हो, क्योंकि बच्चे सिर्फ रट्टा मारना जानते हैं, बच्चों ने अब तक सिर्फ रट्टा मारा, और इसमें पूरा दोष आपको नहीं देता, आधा दोष शायद आपके मैथ्स के टीचर का भी, कि शायद उन्होंने भी रट्टा मारा था, राइट। सो उन्होंने फॉर्मुला रट्टा मारा, अपन ने फॉर्मुला रट्टा मारा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, कसा काय, क्या करना है अपने को सर, करना क्या है, पाई आर स्क्वायर बस। तो ऐसा होता है कि मेनली व्हेनेवर वी हैव स्टडीड सम प्रैक्टिकल थिंग्स और मे बी मेनली मैथमेटिक्स, हमने रट्टा बहुत मारा रहता है, और वो रट्टा एक रीजन है कि क्यों कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ जाता है, बिकॉज अगर आप लॉजिकली सोच नहीं पाए तो इसमें बहुत है भाई, मतलब आप सारे चैप्टर्स मिला लो तो शायद कहीं आपको 70-80 नए नए फॉर्मूले दिखेंगे, और इतने फॉर्मूले रट्टा मारने जाओगे ना अटक जाओगे, मतलब गारंटीड आप भूल जाओगे। बट अगेंस्ट दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इज, मैं आपको पूरा एक एक फॉर्मूला यहाँ पे लॉजिकली प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना, एक एक फॉर्मूला, मतलब आप ये यूट्यूब पे, ये मेरा तो लेक्चर, आप तो बस इसको रिकॉर्डिंग रख लेना, सर आपने बताया था, सर आप लॉजिकली पढ़ाएंगे, सर आपने कहा था आप प्रूफ देंगे,
बट बेटा रख लेना तेरे पास ये रिकॉर्डिंग। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको ऑलरेडी पता रहेगा कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि मैं लॉजिकली पढ़ूंगा तो मैं वैसे ही पढ़ूंगा। हम एक एक फॉर्मुला को यहाँ पे प्रूव करेंगे, हम एक एक फॉर्मुला को लॉजिकली समझेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो एब्सोल्युटली जिनको भी लगता है कि सर मुझे सिर्फ रट्टा चाहिए, मुझे लॉजिक वॉजिक का कुछ लेना देना नहीं है सर, मुझे नहीं बनाना हॉट करियर, आपको रट्टा ही मारना है बेटा प्लीज, आपको फिर मेरी बात शायद इतनी काम की नहीं। आपको लग रहा रट्टा मारना है फिर यार नहीं, क्योंकि हम एक एक चीज को थोड़ा टाइम देंगे, आराम से पढ़ेंगे, मतलब जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं है ना। नुस्ता फटाफट से सर ये फॉर्मूला डाल, फिर आगे जाके तुमको कुछ प्रैक्टिकल मैनेजमेंट करते भी नहीं आ रहा है। कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आया बोला मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके दो, मुझे मेरा पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करके दो, और तुमको उसका एबीसीडी भी नहीं आ रहा, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना टफ नहीं है कि आपको डायरेक्टली एक्सपर्ट बना देगा कि भाई ये तुमने पढ़ लिया डायरेक्टली कल से आपने खोल दी दुकान, आ जाओ तुम्हारा पैसा लेके मैं ऐसा मैनेज करा के दे दूंगा कि 1 लाख के तुमको 2 लाख नहीं बना के दिए ना, बस मेरा दुकान भी तुम रख लेना, ऐसे नहीं होने वाला। ये आपको एक बेसिक कोर्स है, इंट्रोडक्टरी कोर्स है, इसमें और काफी सारा एडवांसमेंट है, बहुत सारा आप इसमें आगे जाके पढ़ सकते हो। एंड क्योंकि इसमें इतने हॉट करियर्स बन रहे, बड़ा कॉमन सेंस है, सबसे हॉट करियर्स कहाँ बनते जानते हो तुम? सबसे हॉट करियर्स एकदम कॉमन सेंस है, जो बंदा कंपनी को उसका वेल्थ बढ़ा के दे सकता है ना, बस कंपनी ऐसे बंदे को ढूंढती है, सिंपल। इसके अलावा बाकी के जितने भी लोग रहते हैं जो कंपनी को बस मेंटेन करते हैं, मेंटेन मतलब बढ़ाते नहीं, बस मेंटेन करते, जो काम है वो चला रहे चला रहे चला रहे, ऐसे लोगों के सैलरी पैकेजेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, क्यों? बस कंपनी को मेंटेन कर रहे। लेकिन वो बंदा जो कंपनी को ग्रो करने में मदद करना, ग्रो मतलब इसके हाइक्स आप देखना जबरदस्त रहते, क्योंकि ये है इसलिए कंपनी में ग्रोथ है, तो कंपनी भी जानती है ऐसे लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड हेंस आप इतने बढ़िया करियर बनाते बनाते रह ना जाओ, आपके हाथों से ये ट्रेन ना छूटे, इसलिए अपनी प्यारी इंस्टीट्यूट ICSI ने आपके लिए डीएसएस डिजाइन किया ये एक कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और एग्जीक्यूटिव लेवल पे डाल दिया ताकि आप लोगों को भी दिखाया जाए कि ये भी एक एरिया है जहां सीएस काम कर सकते हैं, राइट। डीएसएस मैं आपको बता दूं, एक बहुत साल पहले की बात है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, अराउंड 2001 के आसपास की, 2002 के आसपास की बेटा ये बात है, 20 साल पहले। उस जमाने में डीएसएस आप बिलीव नहीं करेंगे, एमबीए की सैलरी, बोलो किसकी? यस, एमबीए इन फाइनेंस, इसकी सैलरी सीएसए सीएसए सीएमए कभी कभी इनसे ज्यादा होती थी। एक एमबीए की सैलरी इनसे ज्यादा होती थी, कब की बात है? अब बोले थैंक यू सो मच, कब की बात है बेटा, कब की बात है, जल्दी से बोलना मुझे। एमबीए की सैलरी सीएसएस सीएमए से ज्यादा थी बेटा, कब की बात है? 2001 की बात है। और यार सब सोच में पड़ गए, यार ये इतने पढ़ते हैं ये लोग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए इंसान क्या क्या कर देता है, ये प्रोफेशन को सीएस सीएमए करने के लिए मेहनत लेते और ये इतना मेहनत करते और इनकी सैलरी से ज्यादा एमबीए की सैलरी, अब ऐसा क्यों होता था? देखो सिर्फ बड़ा क्या होता था, हम सब सीए सीएस सीएमए बोलो या फिर ओवरऑल, हम क्या जानते थे, जैसे सीए का क्या है, सीए बोलता है कि यार मुझे टैक्स ऑडिट दे दो, आप मुझे एक है ना और ये फाइनेंशियल ऑडिट दे दो, ओके टैक्स ऑडिट दे देना, फाइनेंस दे देना, फाइनेंशियल ऑडिट दे देना, अकाउंट्स का ऑडिट दे देना, एकदम जबरदस्त तरीके से मैं करके दे सकता हूँ, मेरा उसमें एक्सपर्टीज है। सीएस बोलता है सर हमारा लॉज में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, सेक्रेटरी प्रैक्टिस हमारा मतलब आप सेक्रेटरी ऑडिट बोल दो, उसमें हमारा एक्सपर्टीज है, हम गवर्नेंस में आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं, ये सब कंपनी को ना मेंटेन कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, मेंटेन मतलब सी आएगा और बोलेगा कि तुम्हारा टैक्स बरोबर है कि नहीं दिखाओ मैं साइन दूंगा, नहीं बरोबर मैं साइन नहीं दूंगा, तुम्हारा अकाउंट्स बरोबर के नहीं दिखाओ ट्रू एंड फेयर है क्या तो मैं साइन दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा। ये मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे फाइनेंस को, कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी सही चल रही है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी वही चेक कर रहे हैं कि कंपनी सारे लॉस फॉलो कर रही है, जो भी चल रहा है लीगली चल रहा है, एज पर लॉ चल रहा है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है, बस ये वेरीफाई कर रहे हैं कंपनी को ग्रो कहा कर रहे हैं। और वहां पर डिस्कशन आता था, ये बंदा क्या बोलता था, सर इन लोगों को है ना रूल्स लॉज और ये सब देखने दो कि अपनी कंपनी सही चल रही है क्या, इस पर लॉ चल रही है कि नहीं, हम है ना कंपनी को बढ़ाना कैसा है उसकी बात करते हैं। और ड्यूशन वो जमाना था, वो काल था एमबीएस का, जब ये आते थे और कंपनी को बोलते थे कि तुम्हारी बैंड बजी हुई है, तुम्हारी बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, सीएस साइन करके बोल सकता था, सीएस बोल सकता था कि हाँ लॉ फॉलो हो रहे, अरे लेकिन मेरी कंपनी लॉस में, मेरे भाई इस लॉस मेकिंग कंपनी को मैं कैसे मैनेज करूं, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे मैनेज करूं, राइट right? इसमें डिविडेंड डिसीजंस में कैसे लू मैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लू, राइट right? वो ये लोग बोलते थे नहीं नहीं वो तो हमारा ही नहीं ना, अकाउंट्स टैक्स लॉ तुम ये बोलो ना, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रखना है हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना, डिविडेंड डिसीजंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ये थोड़ी ना हमारे सिलेबस में आता। एंड देन डीएसएस ये लोग आते थे और ये बोलते थे सर इन लोगों को चेकिंग करने दो, हम आपको बताएंगे कि आप अपनी बैलेंस शीट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे उसका ड्रेसिंग चेंज कर सकते हो, कैसे रिवाइव कर सकते हो अपनी कंपनी को, कैसे हम नए तरीके से नया फाइनेंसेस में इंजेक्ट कर सकते हैं जो एक नया जोश लेके आए अपनी कंपनी में, सर कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं आपकी कंपनी की, ये लोग करते थे। व्हेन आई से एमबीए डीएसएस,
उस जमाने में ना एमबीए मतलब प्रॉपर एमबीए के कॉलेजेस में से जो एकदम सेंसिबल कॉलेजेस है, जो बढ़िया कॉलेजेस है, वहां से बनते थे एमबीए। आज के एमबीएस की बात नहीं कर रहा, बट आज के एमबीए में ऐसा बड़ा आज की तारीख में कि तुम कोई भी पत्थर उठा लो और वो फेंको बड़ा, एवरी ऑल्टरनेट पत्थर एमबीए को लगता है, इंजीनियर को लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जो आज भी एकदम सेंसिबली पढ़ते हैं, जो आज भी एकदम जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, वो एमबीएस आज भी कमा लेते हैं अच्छे से, जो अच्छे कॉलेज से पास हुए। लेकिन हाँ, कई सारे एमबीएस ऐसे भी एडुकेशन जो होलसेल में पास हुए, होलसेल में आकर दूसरा पैसा उठने का है, ये यूनिवर्सिटी को आके दूसरा पैसा हो तो, और पैसा होने के बाद बस यूनिवर्सिटी बोल देती है बस आप 2 साल के बाद आके आपकी डिग्री लेके जाइए, ये दीजिए, कुछ करना नहीं, कुछ आता नहीं, ऐसे। तो अब बहुत ज्यादा कॉलेजेस हो गए, इतने सारे एमबीएस हो गए, इतना ज्यादा सप्लाई हो गया कि वैल्यू गिर गई। लेकिन 2000-2001 में हमारे इंस्टीट्यूट ने ये बहुत अच्छी चीज सीख ली और सही टाइम में समझ ली। एंड तब से ये सीए सीएस सीएम आप देखना सब डिग्रीज में आप देखेंगे तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा सब्जेक्ट जो तीनों लेवल पे कॉमन है, मैं अगर आपसे पूछूं एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे बताओ जो तीनों डिग्रीज में है, मतलब है, तो उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि सबको ये पता चल चुका है कि जो अपना फाइनेंस मैनेज कर सकता है, जो अपने कंपनी का फाइनेंस मैनेज कर सकता है, उसकी हमेशा हमेशा डिमांड रहेगी कि कंपनी उस पर डिपेंडेंट है। तुम कंपनी को लॉ बताते हो, अकाउंट्स बताते हो, ये सब लीगली रिक्वायर्ड है, लाइक कंपनीज एक्ट वगैरह में लिखा है, अलग अलग एक्ट में लिखा है, इसलिए चलता है। कल अगर बोल दिया कि नहीं 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 कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है सीएसीएस से, तो कौन आएगा तुम्हारे पास साइन लेने के लिए? ये तो कंपल्शन, इसलिए आना पड़ता है। गेटिंग अ पॉइंट? लेकिन वही जब तुम्हारे नॉलेज में ऐसा नॉलेज लेके आ जाते हो 2001 ऑनवर्ड्स कि तुमने तुम्हारे करियर में कहा कि नहीं नहीं हम सिर्फ अभी आपको अकाउंट्स के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं नहीं हम आपको सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं नहीं हम आपको सिर्फ लॉ के बारे में नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपको प्रोसीजर्स मेंटेनेंस कैसे करते हैं, लॉ लीगल है कि नहीं ये नहीं बताएंगे, हम आपको आपसे मदद करने वाले हैं अहब की लक्ष्मी को मैनेज करने के लिए। बॉस सर सुनिए, आपकी जो लक्ष्मी है ना, मैं मैनेज करता हूं उसको, अब बस मुझे दे दीजिए, आप अपना धन मेरे हाथों में दीजिए, मतलब लक्ष्मी, मैं उसको आपको प्रॉपरली मैनेज करके दिखा दूंगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? एंड देन डिस्कशन आ गया लक्ष्मी मैनेजमेंट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 2000-2001 के आसपास में बच्चों इतना बड़ा एक तरह से आप देखना एक थोड़ा सा जोल्ट लग गया था अक्रॉस बहुत सारे कोर्सेस को, और उन्हें तब समझा कि सो इम्पोर्टेंट इट इज टू मैनेज योर फाइनेंस। और वहां से इस प्यारे से जन्म का एक मॉडर्न एज में जन्म हुआ, मतलब ये सब्जेक्ट बहुत पुराना है, 18th सेंचुरी के आसपास, 17th सेंचुरी के आसपास आपको बहुत सारे बुक्स दिखेंगे जहाँ पे ये सब्जेक्ट डिस्कस किया गया। लेकिन इसका जो आपके इसमें एकदम देखेंगे ना करियर ओरिएंटेड रिवाइवल इसमें कब हुआ, 2001 के आसपास में। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया सर, इतना इंपॉर्टेंस क्या, हमको पता है सर ये बहुत हॉट करियर्स बनाने में मदद कर सकता है। सर आज के जितने भी बड़े बड़े पोजीशंस हैं, जो बड़े बड़े सैलरीज है, वो इन लोगों को जाते हैं जो कंपनी का फाइनेंस मैनेज करा के दे सकते हैं। सर समझ में आ गया, अपने को सर इसके बारे में जानना है। सर अपने को ऐसा नहीं रहना है कि अपने को सिर्फ अकाउंट्स आता है, सिर्फ टैक्स आता है, सिर्फ लॉ आता है, नहीं 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 सर, ये तो ठीक है सर, ये तो लॉ ने कहा है इसलिए करते हैं लोग, कल अगर लॉ ने कहा कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है ये तो निकल भी जाए। सर मुझे एक वैल्यू एडिंग इंसान बनना है, ऐसा इंसान बनना है जो कंपनी को सच में बताए कि है मेरी कंपनी तो कैसे ग्रो सकती है। मैंने कहा ओके बेटा, यू हैव कम टू द राइट प्लेस, यू हैव चोजन द राइट करियर, एंड लेट्स क्विकली बिगिन विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सुनो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड। यहां तक का सबको क्लियर है, जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो भाई, मतलब तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो, मैं आपको आएगा पढ़ाओ, फटाफट से भाई लाइक ठोको। कुछ बच्चे जो सिर्फ देख रहे लेकिन लाइक ठोक नहीं रहे, क्यों? मतलब तुम नहीं चाहते मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मी को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब बड़ा अंदर की बातें बताऊंगा, ऐसी बात है जो आपने सोची भी नहीं, हाउ टू मैनेज लक्ष्मी। हाँ जी, ऐसा नो, अरे क्या बात, मतलब क्या बात, ठोक दिया, क्या बात है। चलिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, बड़ा एक काम करो, पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आपको बैलेंस शीट पता है क्या? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में असेट साइड की कुछ आइटम्स बोलो, जल्दी से मुझे असेट साइड की सर प्लानिंग भी है, फटाफट से चलो बताइए मुझे, जल्दी से असेट साइड की कुछ आइटम्स बोलिए आप। और मतलब बच्चों तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको बस रोज लेक्चर में आना, एक लेक्चर मिस नहीं करना, सिर्फ लेक्चर में टाइम पे आना ये आपकी जिम्मेदारी, लेक्चर में रोज आना ये आपकी जिम्मेदारी, और आपका एफएम इधर ही लेक्चर में खत्म करा देना ये मेरी जिम्मेदारी, बस तुम मेरे पे छोड़ देना। है, है, है। अच्छा सच में लग रहा है यार तुम लोग पास हो गए 12th बरोबर, सबको आ रहा है, क्या बात है, मतलब इतने असेट्स, इतने राम, जबरदस्त जबरदस्त परफेक्ट राइट। तुमको सिर्फ टाइम पे आना बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमको पूरा एफएम क्लास में ही कैसे करवाना ये मेरी जिम्मेदारी, सिंपल है ना। सर टेस्ट सीरीज होंगे क्या? बड़ा बेहतरीन टेस्ट सीरीज होंगे, एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ कि एक दो चैप्टर हो गए ना, पहले किया मैंने कभी ना आज करूंगा,
मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं कि दो चार चैप्टर्स होगा उसका क्लब करके एक साथ टेस्ट सीरीज लिया, बिल्कुल भी नहीं। हर चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट होगा। ऑफकोर्स अंडरस्टैंड मेरा एमसीक्यू है, ये हर एक सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं होता, जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स है उनको तो काफी मेहनत लेनी पड़ती है टीचर्स को। नहीं बेटा कुछ भी रहे, इतना कन्फर्म है कि हर चैप्टर का मिनिमम एक टेस्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मिनिमम एक टेस्ट, मिनिमम मतलब मेरा एम है कि मिनिमम आप दो दो टेस्ट तो दो हर चैप्टर के। लेकिन चलो बोलते हो मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ हर चैप्टर का हम एक एक टेस्ट तो लेंगे, फिर कुछ चैप्टर्स का मिलकर लेंगे, फिर 50% सिलेबस, 100% सिलेबस, ये भी होगा। तो आप मेरे पे छोड़ दो, तुमको सिर्फ टाइम पे आना और रोज आना, एक दिन मिस मत करना लेक्चर को ना, एक दिन। और जब आओ ना ऐसा ओपन माइंड से आओ, ऐसा खुशी से आओ, ऐसा मत लेके आया मुझे मैथ्स से नफरत है, मुझे मैथ्स टफ जाएगा। बेटा मैथ्स की बात कौन कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक्स की। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है लॉजिक्स मतलब मैथ्स। अरे ऐसा नहीं है बाबा, मैथ्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच कैन ट्रेन यू फॉर लॉजिक्स। लॉजिक्स इज एन एब्सोल्यूटली फंडामेंटल थिंग विच इज ऑलरेडी देयर इन एवरीवन, इन ईच वन ऑफ अस। विदाउट लॉजिक्स तुम जिंदा ही रहते आज, है ना। बस उस लॉजिक को यूज करना अपने को, अपने अंदर वो है, उसको लॉजिकली समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप अपना मैथ्स वैट्स प्रैक्टिकल से डर लगता है साहब, छोड़ दो, टाइम पे आओ, बाकी समय करा दूंगा, राइट, लेट्स गो। अब आगे बढ़े तो आशीष सर की तुमने इतने सारे आइटम मुझे बताया, मैं फटाफट से लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ। अभी देखो आप क्या करते हो, ये आशीष सर के आइटम आपने मुझे बताया। अच्छा मुझे काम करो, लायबिलिटी सर के कुछ आइटम्स बता सकते हो क्या? सबसे पहला आइटम जो अपने 11th चैप्टर में पढ़ा होगा लायबिलिटीज में क्या था सर? कैपिटल। बिल्कुल सही। अच्छा कैपिटल में कुछ जानते हो तुम, थोड़ा सा कुछ सुना है तुमने ग्रुप वन में, मॉडल वन में कुछ सुना है? इक्विटी कुछ होता है, कुछ प्रेफरेंस होता है। हाँ सर हमने सुना है सर, कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, इक्विटी शेयर्स सम प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं। सर बिजनेस में कैपिटल लाना है तो हम सर एक लॉन्ग टर्म लोन भी ले सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म डेट भी ले सकते हैं। अच्छा वेरी गुड। तो बड़ा सबसे पहले हम यही से शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे कि सर मैंने आज तक 12th में तो ये पढ़ा है कैपिटल से, मैंने 11th स्टैंड की मेरी फर्स्ट एंट्री मुझे आज भी याद है सर, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने एंट्री मार दी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो यार ये फर्स्ट जर्नल एंट्री थी सर 11th स्टैंड में जो मैंने सीखी, मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, कैश अकाउंट डेबिट किया 10,000 से सर, और कैपिटल सर 10,000 से डेबिट किया। अब बेटा इसी चीज को कि तुम क्या करते हो, तुम कैपिटल लाते हो, बट अब यही अगर एक तुम प्रोफेशनल लेवल पे चले गए, देखो मेरा काम अपना एम क्या है, अपना एम है प्रोफेशनली लक्ष्मी को मैनेज करना। सी लक्ष्मी मैनेजमेंट मतलब अपना ऐसे नहीं करना है अरे पैसे बचाओ यार, अरे पैसे बचाओ, सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति ने अपने पैसे बचाने हैं, अरे ऐसा नहीं करना वाले हम लक्ष्मी मैनेजमेंट, हम प्रोफेशनल लेवल पे करना वाले। सो इतना क्या प्रोफेशनल इसमें, देखो ना, देखो 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 समझते हैं। जैसे अभी बच्चों अगर मैंने आपसे कहा कि कैपिटल है, कि कैपिटल आया, अब मैं कैपिटल में कौन सा कैपिटल लाऊं? कंपनी का ये सवाल है कि आप एक कंपनी के श्री, मान लीजिए CFO बन गए हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी आपसे पूछेगी हे मान्यवर बताए कि हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, क्या हम इक्विटी शेयर्स ले, हम प्रेफरेंस शेयर्स ले, क्या हम लोन ले। अब बेटा देखो अलग अलग कंपनीज को अलग अलग कंसल्टेंसी रहती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब ये नाम तो जानते होंगे बेटा, ये सुनो टाटा ग्रुप। हाँ बेटा टाटा के देखना, अब टाटा का एक ग्रुप है टाटा कंसल्टेंसी, साथ साथ में TCS, टाटा सॉफ्टवेयर में है, टाटा सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में उनकी जो एक बहुत बड़ी कंपनी TCS। बट हम जानते हैं कि टाटा मैन्युफैक्चरिंग में भी है, काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसमें से सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्या है टाटा की, मान लीजिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग है ना, मतलब वर्ल्ड के टॉप में आते हैं ये लोग, इतनी मैन्युफैक्चरिंग इनकी स्टील की। अब बड़ा ये मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी है, ये सर्विस के बिजनेस में भी है। अब देखना आप अंदर की बात समझना, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो तुमने अब तक पढ़ा बेटा 11th 12th में उसी को पढ़ेंगे, लेकिन प्रोफेशनली खोद खोद के पढ़ेंगे। सर प्रोफेशनली मतलब कैसे, जस्ट देखो अभी अब तुमको ये तो मालूम था कि टाटा है, हाँ सर मालूम, अब टाटा है उसको बिजनेस करना तो कैपिटल होगा, बिल्कुल होगा सर। लेकिन अब देखना बेटा कैपिटल टाटा ने कैसे किया, टाटा की दोनों कंपनी टाटा किया, एक कंपनी को आप DSU उसकी बैलेंस शीट ओपन करके देखना, आप TCS की या टाटा की कोई भी सॉफ्टवेयर वाली कोई भी जो सर्विस सेक्टर में DSU उन कंपनीज के बैलेंस शीट ओपन करके देखना, आप देखोगे कि इनके इसमें बेटा लोन बहुत कम रहता है, बहुत कम लोन। और वही डिस्ट्रेस आप टाटा की, मैं टाटा की ही बात कर रहा हूं, आप टाटा की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी बैलेंस शीट ओपन करके देखना, आपको आप दिखा कि उन्होंने लोन लेके काम किया। अब बेटा ये टाटा ग्रुप ये इतना बड़ा ग्रुप है, इसका इतना पैसा है, इन लोगों ने लोन क्यों लिया होगा, क्यों लिया रहेगा इन्होंने लोन, ये क्या पागल है लोन लेने के लिए, इतना पैसा है ये हजारों करोड़ किसी और को दे सकते हैं,
तो ये भला क्यों लोन ले हा? और वही इनकी दूसरी कंपनी, यहां पे लोन बहुत लिया है और वही इनकी दूसरी कंपनी वहां पे बिल्कुल भी लोन नहीं लिया। अब दोनों है टाटा के, आप समझना। पर ऐसा देखने मिलता है कि कुछ कंपनीज में टाटा लोन लेती है और उनके खुद की कुछ दूसरे कंपनीज में वो लोन नहीं लेती। अब 11, 12 लेवल पे, बाकी लेवल पे अपन ये कभी गौर ही नहीं करते कि अच्छा ऐसा भी हुआ सर, हमको तो नहीं पता था टाटा ने ऐसा किया है। आप देखना, एनालाइज करना। और सिर्फ टाटा की नहीं, आप कोई भी सर्विस सेक्टर की कंपनी लेना, आप भले विप्रो ले लो, आप सत्यम ले लो, है ना, आप इन कंपनीज के डियर स्टूडेंट्स अब बैलेंस शीट ओपन करके देखिए, आपको ना के बराबर लोन दिखेगा, बहुत कम। और वही आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में देखिए, सीमेंट, कंक्रीट, है ना, ये स्टील, इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में आप देखना, डियर स्टूडेंट्स, आपको भर भर के लोन दिखेगा, भर भर के लोन। ऐसा क्या है लोन में, ऐसा कैसे डिसाइड कर रही है कि लोन लेना है क्या नहीं लेना है, ये हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर में। अब देखिए, मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरा सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने कहा से कैपिटल, तो मैंने आपसे पूछा कैपिटल में कौन सा लू, मैं इक्विटी शेयर लू, प्रेफरेंस शेयर लू, क्या लॉन्ग टर्म ले लू। यहाँ पे आप बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम क्या होगा सर, उस चैप्टर का नाम रहने वाला है सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि कंपनी को अगर लक्ष्मी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस कहाँ कहाँ से ला सकती है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर सभी के सभी कंपनी इक्विटी शेयर क्यों नहीं लेते सर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंपनी लोन लेते हैं सर, ऐसा क्यों होता है कुछ कंपनी लोन बहुत लेते हैं, शेयर कम लेते हैं सर, ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंपनी इक्विटी बहुत लेती है, जैसे आप यहाँ पे जाओ, विप्रो में जाइए, सत्यम में जाइए, इक्विटी भर भर के लिया है, बहुत इक्विटी लिया, और वही इन कंपनी ने इक्विटी बहुत कम लिया और लोन बहुत ज्यादा लिया। सर ऐसा क्यों होता है, क्यों सभी के सभी इक्विटी नहीं लेते? तो बेटा यहाँ पे एक आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा डियर स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ेंगे, इसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक चैप्टर जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की क्यों कभी कभी लोन प्रेफर किया जाता है, क्यों इक्विटी प्रेफर किया जाता है, कब इक्विटी को प्रेफर करना है, कब लोन को प्रेफर करना है, क्यों सबके सब कंपनी इक्विटी पे नहीं चलते, क्यों सबके सब लोन पे नहीं चलते सर, क्यों हर कंपनी अपने अपने हिसाब से इसको चेंज करती है, कैसे डिसाइड करती है बेटा एक कंपनी, हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ठीक है सर, कैपिटल लाया हमने कैपिटल लाया, और हमको समझ में आया कि कैपिटल लाने के लिए बहुत सारे सोर्सेस है। अगर हम कैपिटल ला रहे हैं सर, तो उसका एक कॉस्ट भी होगा, कैपिटल को फुकट में तो देगा नहीं, इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड हमको डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। हाँ, तो कोई भी कैपिटल सर फ्री नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा, वो हम पढ़ेंगे द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। कुछ कुछ बच्चे सर, कुछ कंपनीज बहुत सारा लोन लेती है, लोन के फायदे क्या है, लोन लेने के ऊपर एक स्पेशल चीज कंपनी में क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं लिवरेज। कि क्यों जो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग कंपनी है, ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो क्यों लोन को प्रेफर करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड एज लिवरेज, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर ये कैपिटल तो मेरे पास आ गया सर, इस कैपिटल को क्यों लिया, मुझे बताइए बच्चों, एक कंपनी कैपिटल क्यों लेती है, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, मुझे बताइए एक कंपनी कैपिटल क्यों लेती है, मतलब एक कंपनी इसलिए कैपिटल लेती है, भाई 1 करोड़ रुपए लाएंगे यार, और मस्त टेबल के ऊपर ऐसा सजा के देखेंगे, हाय रे हाय क्या दिख रहा है ये 1 करोड़ रुपए, हाँ ये 1 करोड़ रुपए कितने हॉट लग रहा है जी, मतलब जी करता है बस ऐसे इसको कांच के डिब्बे में बंद करके देखा करूं। मतलब क्यों लेता है कोई, क्यों लाता है कैपिटल क्यों लाते हैं सर, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, बिल्कुल सही। और वही बिजनेस को चलाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, असेट्स। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखना, गौर फरमाइए, मुझे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल से मुझे एक लॉन्ग टर्म असेट्स लेने हैं, कंपनी को लैंड लेना है ना, कंपनी को मशीनरी लेनी है, ओके, कंपनी को फर्नीचर बनवाना है, कंपनी को स्टॉक परचेस करना है, फिर स्टॉक पे काम होगा इस मशीन में, फिर स्टॉक को बेचा जाएगा और फिर प्रॉफिट कमाया जाएगा। मतलब समझना, हम ये कैपिटल लेते तो है, लेकिन हम ये कैपिटल लेते ताकि हम क्या करें, उसको इन्वेस्ट करवाए कहीं पे, तो हाउ टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्ट करें, तो हम यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या होगा, हम यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ेंगे बड़ा जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लीजिए पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ मेरे लेक्चर की लॉजिक से, कि आपका सिलेबस जो है ना बेटा, वो भी लॉजिकली डिराइव्ड है। मतलब मेरा ये सिलेबस सब्जेक्ट का बड़ा ऐसा है कि आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं कि कौन से चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर भी लॉजिकली आया है। कि क्यों ये चैप्टर हमारे सिलेबस में, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्योंकि देखो ना, कंपनी ने लाया 1 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी को भी इन्वेस्ट करना है, तो कैसे इन्वेस्ट करी कंपनी, तो कंपनी को लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का। सर ठीक है सर, ये इन्वेस्टमेंट करिए, हमने स्टॉक लाया, बिल्कुल सर स्टॉक लाया। अब ये स्टॉक लाया, अब मुझे बताइए बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ही चाहिए क्या,
और क्या चाहिए तुमको? ये फिक्स असेट्स चाहिए, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, और कौन से असेट्स होते हैं? करंट असेट्स भी होते हैं। हाँ सर, आपने लिखा था ऊपर, आपने लिखा सर कैश, आपने लिखा सर स्टॉक, आपने लिखा सर डेटर्स। अब बेटा ये जो करंट असेट्स है, और यहाँ पे आते हैं बेटा करंट लायबिलिटीज, इनको भी तो मैनेज करना है। मतलब मैं लॉन्ग टर्म फंड से लॉन्ग टर्म असेट्स तो लूंगा, इनको तो मैनेज करना ही है, लेकिन कंपनी को ग्रो करना है तो कंपनी को अपने ये करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को भी मैनेज करना जरूरी है। और इसलिए बेटा वो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एक चैप्टर जो हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे वो होगा वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट। सर ये करंट असेट्स मैंने 11th में भी देखा, सर ये करंट लायबिलिटीज हमने 12th में भी देखे, लेकिन सर इसको मैनेज कैसे करते हैं ये हम अभी देखेंगे, जिसका नाम होगा उस चैप्टर का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एवरीबॉडी सुनो, सो देखिए लॉजिकली ये चैप्टर भी लॉजिकली आता है, राइट? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे सर, और क्या पढ़ेंगे इसमें बड़ा समझिए। अब तुमने इतना स्टॉक लगाया, तुमने इतने बढ़िया मशीन्स लगवाया ना, मशीन्स लगवाया बढ़िया, स्टॉक लगवाया बढ़िया, क्यों सर? ताकि ना हम प्रॉफिट कमा पाए। अच्छा, क्या कमा पाए सर? हम प्रॉफिट कमा पाए। हम इतने बढ़िया असेट्स क्यों यूज कर रहे हैं? हम ये करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज को मैनेज क्यों कर रहे हैं? हम हमारे कैपिटल को मैनेज क्यों कर रहे हैं? सर एक रीजन के लिए, और वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का इस साल का प्रॉफिट ज्यादा है, और इस साल का प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा सर एक बार का, तो हम फिर यही पैसा कहीं और पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, हम अलग अलग कंपनी के शेयर्स परचेस करेंगे, हम जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं मार्केट में हम वो परचेस करेंगे। क्या इससे बढ़िया शब्द क्या है? हम जो मार्केट में अलग अलग सिक्योरिटीज आते हैं, क्या आते हैं? सिक्योरिटीज, उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सो कंपनी बड़ा प्रॉफिट कमाती है, और कंपनी प्रॉफिट क्यों कमाती है? ताकि कंपनी बड़ा कहीं भी इन्वेस्ट कर पाए। अब कंपनी जब इन्वेस्ट करेगी बड़ा ढेरों शेयर्स खरीदेगी, कंपनी वन का शेयर, कंपनी टू का शेयर, इस कंपनी का शेयर, उस कंपनी का शेयर। एक कंपनी में, एक कंपनी के पास जब इतना पैसा होता है वो और उसको इन्वेस्ट करती है, कई सारे अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। जैसे टाटा के पास रिलायंस के शेयर्स हो सकते हैं, रिलायंस ने टाटा में इन्वेस्ट किया होगा शेयर्स परचेस करके, राइट? अब जब तुम ये सारे इतने सारे शेयर्स परचेस करते हो तो तुमको पता रहना चाहिए कि कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या सिर्फ शेयर्स नहीं तो कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो कुछ फंडामेंटल चीजें चेक करनी पड़ती है। और कैसे आप अपने इतने बड़े पोर्टफोलियो को, तुम्हारे कंपनी में ढेरों धन सिंह, तुम्हारे बड़ा बैग में अलग अलग कंपनी के शेयर्स है ना, तुम्हारे पास अलग अलग कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स है, जब तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग सिक्योरिटीज होते हैं ना नेशंस, ऐसे इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं इसको? पोर्टफोलियो। और कैसे आप अपने कंपनी का करोगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेटा, वो भी एक चैप्टर हम हमारे इसमें पढ़ेंगे। और साथ साथ में सर इतने सारे सिक्योरिटीज हम खरीदने वाले हैं, कौन सी सिक्योरिटी हमारे लिए अच्छी देगी, कौन सी सिक्योरिटी अच्छी नहीं देगी, उसके लिए बेटा अपने एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सिक्योरिटी एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिक्योरिटी एनालिसिस। एवरीबॉडी सुनो, ओके? सो एसेंशियली अगर आप देखें तो वापस मैं एक बार पूरा मेरा सिलेबस जो है उसको लॉजिकली बना देता हूं। सबसे पहले तो हमको समझना व्हाट इज इंट्रोडक्शन, है ना, कि क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका इंट्रोडक्शन, उसका एम क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उसका यूज क्या है। फिर मैंने आपसे कहा बेटा चलो सोचो तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? सर पहला सवाल आता है कैपिटल कहां से लाए, इक्विटी से लाए, प्रेफरेंस से लाए, लोन से लाए, कैपिटल को हम कहाँ से लाए? बड़ा एक चैप्टर हमको पढ़ना है सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या पढ़ना है? वो सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर फिर क्या पढ़ना है? सर ये कैपिटल लाया तो है हमने, पर कब इक्विटी यूज करना है, कब लोन यूज करना है, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बड़ा एक काम कर, उससे तुझे एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि कैसे निकालते हैं कि कौन सा कैपिटल मुझे कितने में गिरता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अरे सर बहुत बढ़िया होगा, थैंक यू। अब मैंने आपसे पूछा फिर कि बड़ा क्यों चाहिए सर तुझे, हाँ तुझे ये सारे assets वगैरह कुछ है? सर क्योंकि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे बताइए, मैं लैंड कैसे परचेस करूँ, मैं कौन सी मशीनरी परचेस करूँ, सर मैं कौन सी बिल्डिंग में परचेस करूँ, पैसा लगाऊँ? ओह, आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर क्या बोल रहे हो, सर बड़ा मजा आ रहा है, मतलब कैपिटल लाया, क्यों लाया, इसके लिए लाया, तो इसके लिए एक चैप्टर, इसके लिए एक चैप्टर। लेकिन सर बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं चाहिए, सर बिजनेस चलाने के लिए हमको और क्या चाहिए? बोलो बोलो, बिजनेस चलाने के लिए हमको और क्या चाहिए? करंट असेट्स। सो करंट असेट्स में क्या आ गया सर? कैश आ गया सर, स्टॉक आ गया सर, डेटर्स आ गया सर। तो बिजनेस को चलाने के लिए इनको भी तो मैनेज करना है, करंट लायबिलिटीज को भी तो मैनेज करना है। सिर्फ ये थोड़ी आते हैं बिजनेस में, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज भी। अरे हाँ, तो उसको मैनेज करना है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसको मैनेज करना है, इसलिए एक चैप्टर हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर क्या बात है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। सर लेकिन मैंने ये स्टॉक परचेस किया, मैंने इतने बढ़िया मशीन्स परचेस किए। मैंने कहा क्यों परचेस किए? सर ताकि मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ। सर बस इसी में इंटरेस्ट है अपने को। और मैंने कहा प्रॉफिट करके क्या करेगा? सर मैं अलग 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 कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाऊंगा, सिक्योरिटीज में पैसा लगाऊंगा, मुझे और वेल्दी बनना है।
मतलब यहाँ पे बेटा तुझे पढ़ना पड़ेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि तुम एक इंसान का पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करोगे। इतने सारे कंपनी के शेयर्स है, हजारों कंपनीज है, तुम उसको कैसे बताओगे कि कौन से कंपनी में पैसे लगाने हैं, कैसे करोगे आप मैनेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ अलग अलग कंपनी के अलग अलग सिक्योरिटीज है, तो सिक्योरिटीज का हमको करना पड़ता है एनालिसिस, कौन सी सिक्योरिटी अच्छी कौन सी सिक्योरिटी बुरी, कहते हैं इसको सिक्योरिटीज एनालिसिस। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो बड़ा सबसे पहले तो मुझे बस ये बता दो कि आपको मेरे सब्जेक्ट का पूरा इंडेक्स समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मतलब मैंने सारे चैप्टर्स भी आपको लर्न करा दिए सर, इतने चैप्टर है क्या, और छोटे मोटे है, जैसे कंपनी ने अगर इक्विटी उठाया ही है तो इसके ऊपर डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड कब दे कितना दे, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे बड़ा डिविडेंड डिसीजंस का, कि कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए कितना देना चाहिए, इसके बारे में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम होगा डिविडेंड डिसीजंस। तो बड़ा इन जनरल पहले ये समझ लो कि एफएम जो मेरा सब्जेक्ट है इसकी बुनियाद ही है लॉजिक लॉजिक लॉजिक। अरे सर इतना लॉजिक कि ये ऐसा सब्जेक्ट है उसका इंडेक्स भी लॉजिकली बनाया है कि पहले पैसे रेज करो, कहां से रेज करो, उसका कॉस्ट क्या होगा, क्यों पैसा रेज किया, इन्वेस्ट के लिए, उसका चैप्टर। सिर्फ फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट है क्या, नहीं सर, करंट असेट करंट लायबिलिटी, उसको मैनेज करने का एक चैप्टर। फिर उसके बाद में अगर कंपनी बहुत ग्रो करेगी तो पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, कंपनी के सिक्योरिटीज जो रहेंगे, कंपनी ने जहां पे भी इन्वेस्ट किया उनको एनालाइज करना है कि वो सही चल रहे नहीं चल रहे, बढ़ने वाले घटने वाले, और इन सब के लिए स्टूडेंट्स आप जरूर पढ़ने वाली उस प्यारे से सब्जेक्ट की जिसका नाम नाम है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले ये समझ लो कि मेरे सब्जेक्ट में एक चीज लगनी है आरंभ से लेके अंत तक लॉजिक्स, पूरा इंडेक्स लॉजिकल था सब, बिल्कुल समझ में आ गया सब, पूरा इंडेक्स लर्न हो गया। मुझे बोला इंडेक्स लर्न हुआ कि नहीं तुम्हारा, इंडेक्स लर्न हो गया रहेगा तो मैं जल्दी से लाइक ठोको बेटा, मतलब करा दिया कि नहीं मैंने, मतलब मुझे बताओ, मैंने तुमको ऐसा बताया क्या, ये देखो बड़ा नोट से मेरे ये अपना इंडेक्स है राइट, और ये चैप्टर वन है, ये चैप्टर टू है, ये चैप्टर थ्री है, ये चैप्टर फोर है, ये चैप्टर फाइव, इसमें ये फॉर्मूले, इसमें ये फॉर्मूले, इसमें ये फॉर्मूले, नहीं अपन ने बेटा पूरा इंडेक्स भी अपने लॉजिकली बनवाया। आई होप आपको यहां तक का क्लियर रहेगा। हाँ, इंडेक्स का लॉजिक पहली बार लाइफ में देखने के लिए मिला ना आज तक, बस अरे वही उस इंडेक्स पेज की बड़ा, आज तक उस इंडेक्स पेज को इज्जत ही नहीं दी किसी ने, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इंडेक्स पेज बस क्यों रहता मालूम है, ताकि नीचे के पेजेस खराब ना हो जाए, इसे ऊपर एक पेज लगाते ना सर अच्छा वाला, बस सर वही इंडेक्स पेज होता है, मतलब इंडेक्स पेज को आज तक उसकी इज्जत ही नहीं मिली। तो सबसे पहले भाई अपन ने अपने इंडेक्स को इज्जत दी कि क्यों तेरा जन्म हुआ है, बता कि तेरे अंदर जो एक 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 चैप्टर है वो मैं क्यों पढ़ू। इंडेक्स ने प्यार से जवाब दिया क्योंकि बेटा रियल लाइफ में यही होना है, यही है जीवन क्रम, यही है कंपनी का क्रम, यही से कंपनी शुरू होती है, ऐसा 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 आती है, कंपनी को ये प्रॉब्लम आते हैं, हर कंपनी को उसका सोल्यूशन चाहिए, और इसलिए देखो ये चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, इस तरीके से बता हो गया हमारा इंडेक्स। जी सर परफेक्ट आ गया समझ में सर, अब बस शुरू करो। चलो मैं तो रुका ही था ना इसी चीज के लिए, अब तक तो सिर्फ इंडेक्स हुआ है, अब बताते हैं आपको लक्ष्मी का मैनेजमेंट कैसे होता है। देखो सी जब भी बेटा मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, ब्रॉडली जब भी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको उसमें तीन चीजें करनी है। कितनी चीजें करनी है जल्दी से बताइए मुझे, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है मतलब क्या करना है, बोलो बोलो जल्दी से। ब्रॉडली तीन चीजें करनी इस एज पे, इस लेवल पे आपको ब्रॉडली तीन चीजें करनी है, तीन चीजें ब्रॉडली करनी फटाफट से चैट बॉक्स में। क्या बात है आप बोली परफेक्ट, ए भाई जल्दी है भाई जल्दी, भाई बच्चों ढीले गिर गए, तुम ढीले गिर गए, खाना भूख लग गई क्या नाले को तुमको, मतलब उम्मीद से ज्यादा टाइम लग गया आपको तीन लिखने में। तीन चीजें करनी है सर, कौन सी तीन चीजें करनी है सर हमको एग्जीक्यूटिव लेवल पे, कौन सी तीन चीजें अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहले बड़ा आपको समझना है कैपिटल डिसीजंस, है ना, या उसी को हम बोलते फाइनेंसिंग डिसीजंस, है ना, फाइनेंसिंग डिसीजंस। आपको सबसे पहले ये समझना है कि कंपनी अपना फाइनेंसिंग कैसे करेगी, आपको सीखना है फाइनेंसिंग डिसीजंस कि कंपनी अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करती है। तो सबसे पहले कंपनी अपना फाइनेंस कहां से लाएगी, क्या वो इक्विटी से लाएगी, क्या वो प्रेफरेंस से लाएगी, क्या वो लोन से लाएगी, कैसे लाएंगे सर। आपको सबसे पहले कंपनी का लेना है फाइनेंसिंग डिसीजंस, सर ले लिया सर, ये फाइनेंस करने का आपको सेकंड पढ़ना पड़ता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या पढ़ना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सर ले लिया, ये भी ले लेंगे हम कि ये लाया यहां से पैसा और अब यहां लगाया हमने पैसा, सो पैसा लाना कहां से फाइनेंसिंग, और पैसा लगाना कहां है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये दो डिसीजन ले लिए सर। अब लास्ट में तीसरा एक और पॉइंट आता है, और क्या करना पड़ता है, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को ब्रॉडली ये तीन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और लास्ट में देखा एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डिविडेंड डिसीजंस।
कंपनी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं दे सकते, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और अगर देंगे तो कितना देना चाहिए, कितना डिविडेंड देना चाहिए, ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ा है जो बहुत फेमस है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल मैनेजर यूजुअली कितने मेन कितने डिसीजंस लेता है। आंसर उसका तीन, ऑप्शन ए में दिया जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन बी में दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन थ्री में दिया जाएगा डिविडेंड डिसीजंस। एक फाइनेंशियल मैनेजर को ब्रॉडली ये तीन डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। यहां तक की बात क्लियर, जल्दी से बताइए यहां तक की बात क्लियर, ओके यहां तक सब साथ में, बिल्कुल सर, चलिए। हाँ सर, तो फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, मतलब सबसे पहले कंपनी को सोचना है कि वो फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, फिर उनको सोचना है कि फाइनेंस कहाँ लगाएंगे, और फिर से उनको डिसीजन देना है कि क्या उन्हें डिविडेंड देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, देना है तो कितना देना है। से अगर तुमने डिविडेंड नहीं दिया तो शेयरहोल्डर्स भी पागल नहीं है, हो सकता है उनको बुरा लगे। अब बड़ा शेयरहोल्डर्स को अगर बुरा लगा और मान लेते हैं शेयरहोल्डर्स ने तुम्हारी कंपनी का शेयर बेच दिया, मान लो शेयर होल्डर्स को बुरा लगा और शेयर होल्डर्स ने सोचा अच्छा नहीं दोगे डिविडेंड, अच्छा नहीं देना डिविडेंड, बेच दो इस कंपनी के शेयर, बेच दो, तुम्हारी शेयर की प्राइस गिर जाएगी। तो ऐसा मत सोचना कि कंपनी ऐसा सोच सकती है कि छोड़ना काय को देने का डिविडेंड, अंबानी ऐसा सोचेगा, रिलायंस ऐसा सोचेगा, पैसा कमाओ डिविडेंड नको दी, मत दे, नको दे, कोई गरज नहीं, अपने को कोई फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत नहीं, मुझे अक्कल है, मैं बोलता हूं ना पैसा कमाया अपन ने, अपन डिविडेंड ही नहीं देंगे, जा पूरा पैसा हमारे पास रहेगा, कंपनी का पैसा रहेगा, किसी को कुछ नहीं मिलना, जाओ घर, मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग खत्म हो गई, एनुअल मीटिंग है सर, सर डिविडेंड का क्या, बड़ा नो डिविडेंड, नो डिविडेंड, जा क्या कर लोगे तुम, बड़ा ये कर लेंगे वो कि वो तुम्हारे शेयर्स बेच देंगे, और अगर उन्होंने तुम्हारे शेयर्स बेच दिए ना तो स्टॉक एक्सचेंज पे, समझ लो स्टॉक एक्सचेंज पे तुम्हारी कंपनी की ऐसी बैंड बजनी है, मतलब तुम्हारे शेयर वैल्यू इतने गिर जाएंगे कि तुम सोचोगे काश मुझे अक्कल होती और मैं थोड़ा डिविडेंड इनको देके खुश कर देता। सो डिविडेंड डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है, आप समझना, कंपनी देना भी चाहती है, कंपनी रखना भी चाहती है, कंपनी क्यों रखना चाहती है, कंपनी सोचती है और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नए मशीन खरीदेंगे, और बिजनेस को बढ़ाएंगे, इसलिए नहीं देंगे डिविडेंड इस बार, इधर रखो। दूसरा एक तरीका की डिविडेंड नहीं दिया और शेयरहोल्डर्स को लगा कि यार कंपनी बस ले रही है, शेयर्स है, शेयर्स है, शेयर्स है, कुछ खास ग्रोथ नहीं और डिविडेंड भी नहीं आ रहा, बेच कंपनी का शेयर बेच। एक फाइनेंशियल मैनेजर है ना बेटा, ऐसा उसको कुकर हो जाता है एक दिन पे, कुकर कि क्या करूं क्या करूं, कुछ डायरेक्टर्स बोल रहे देना चाहिए, कुछ बोल रहे नहीं देना चाहिए, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर मुझे इनको कंसल्टेंसी देना है कि क्या हमने डिविडेंड देना है या नहीं देना है। अब क्या सोचेगा वो बंदा, क्या पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर उसके ऊपर डिविडेंड डिसीजंस का। तो इसलिए ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, तुम ऐसा मत सोचना, बहुत सिंपल डिसीजन है बेटा डिविडेंड डिसीजंस। तुम कंपनी में जब जाओगे तुम देखोगे क्या डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड देना है, इसके ऊपर इतनी चर्चा होती है ना, इतनी चर्चा, मतलब भयंकर चर्चा होती है, कितना दे कि भाई बुरा ना हो, शेयर प्राइस गिरना जाए वगैरह वगैरह। सो ये तीन ब्रॉड डिसीजन उसको लेने, काम करते पहले वाले डिसीजन से शुरू करते हैं, चलिए काम करते पहले वाले डिसीजन से शुरू करते हैं, राइट। सर पहला डिसीजन कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन। आप जरा गौर फरमाइए फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करेंगे, हम गौर फरमाइए ध्यान से समझना, ओके चेक। अब फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में फाइनेंसिंग है ना, कंपनी को यह सोचना है कि क्या वो इक्विटी शेयर लेकर आए, क्या वो प्रेफरेंस शेयर लेकर आए, या वो डेट लेकर आए। अब बच्चों मुझे आप पहले बता दो, मुझे आपका नॉलेज देखना है, अगर आपकी कल कंपनी होगी तो आप क्या करोगे, मुझे आप चैट बॉक्स में फटाफट से जवाब दो। अगर आपकी कल कंपनी रहेगी तो आप क्या करेंगे, आप लोन से पैसा उठाओगे या आप शेयर से पैसा उठाओगे, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में, बी क्विक। अगर आपकी कंपनी है तो आप क्या प्रेफर करोगे, इक्विटी क्या लोन। अब ऐसा मत लिखना सर डिपेंड्स, डिपेंड्स डिपेंड्स लिखना ही है तो फिर किस पे डिपेंड करता है वो भी लिख लो, वो भी लिख लो, मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे सबसे बेस्ट क्या, कि कंपनी ने क्या लेना चाहिए, कंपनी ने शेयर देने चाहिए या कंपनी ने लोन लेना चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे तुम्हारे सबसे बेस्ट क्या, लोन ले इक्विटी, लोन इक्विटी, लोन इक्विटी। लेकिन मैं देख रहा हूं बड़ा मेजोरिटी बच्चे इक्विटी लिख रहे हैं, शेयर लिख रहे हैं, गुड, डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द कंपनी सर, अल्टीमेट तो लिख दो, लिख दो कौन सी स्केल बताओ ना, आप लिख दो डिपेंड्स ऑन द स्केल ना, तो बताओ इस स्केल के ऊपर सर इक्विटी लो, इस स्केल के नीचे लोन लो, ऐसा कोई है क्या स्केल। इक्विटी में ओनर बनाना पड़ेगा, ठीक है
सर्ज बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्यों 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 सर्ज, क्यों लो कॉम्बिनेशन में, हम दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों ले? अब जरा ध्यान से देखना, गौर फरमाइए, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, एक ही ग्रुप टाटा, उसकी एक कंपनी बड़ा इक्विटी लेती है ज्यादा, और उसी की एक कंपनी बड़ा बोलती है इक्विटी नको नको घू, शेयर नहीं चाहिए मेरे भाई, शेयर नको घू, शेयर नको, शेयर नको, मतले मतले नाले तो बोलो, शेयर मतले लोग ये। अब देखते फटाफट से कैसा क्यों होता है। अब जरा ध्यान से देखना, एकदम ये सिंपल है, क्यों दोनों पे प्रेफरेंस है, क्यों कभी कभी कुछ कंपनी लोन लेती है कुछ कंपनी की, कुछ चीजें अच्छी है लोन में, कुछ चीजें डेट की अच्छी है और कुछ चीजें शेयर्स की अच्छी है। अब मेरा सिंपल सा सवाल आपसे देखिए कि इन दोनों में से सस्ता कौन है, पहले ये तो बताओ, चलो क्या लगता है तुमको, लोन सस्ते में गिरेगा क्या, इक्विटी शेयर सस्ते में गिरेगा, इकोनॉमिक कौन है, पहला सवाल दो मुझे फटाफट से, दोनों में से परवड़ता क्या है, शेयर्स देना परवड़ता है लोन देना परवड़ता है, फटाफट से बताओ चीप कौन है, चीप सस्ते में कौन मिलेगा, इक्विटी क्या लोन, फटाफट सभी लोग इक्विटी लिख रहे हैं, ऑल विद मी फटाफट से, नहीं इक्विटी पीछे डेट भी लिख रहे हैं, आई मीन द सेम, बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो स्केल लिख रहा था बड़ा, स्केल स्केल तक तो मैं गया भी नहीं यार, कंपनी की स्केल छोटी भी रहेगी ना, स्टिल दे माइट प्रेफर डेट, दे माइट प्रेफर शेयर्स, हाउ कम सर, लेट्स सी, चलो जल्दी से बताइए तुम्हारे सबसे सस्ता कौन है, इक्विटी सस्ता है क्या लोन सस्ता है, तो मेजोरिटी लोग लिख रहे बेटा इक्विटी, एब्सोल्युटली गलत जवाब, बेटा याद रखना दुनिया में अगर कभी भी तुमको बिजनेस करना हो और तुमको सबसे सस्ता चाहिए कैपिटल, तो सबसे चीपेस्ट कैपिटल है लोन लेना। सर क्यों सर ऐसा कैसे, बड़ा देखो लोन ले लिया 5 साल 7 साल 10 साल का लोन लो, है ना, क्या देना पड़ता है बस इस लोन के ऊपर, क्या देना पड़ता है हमको, सिर्फ इंटरेस्ट, मान लेते हैं मैंने इस लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पूरा दे दिया, तो इंटरेस्ट देने के बाद मेरे कंपनी का ओनर कौन रहेगा, मैं रहूंगा या जिससे मैंने लोन लिया था, जिसको मैंने उसका लोन भी दे दिया इंटरेस्ट भी दे दिया और बोल दिया चल टाटा बाय बाय, तेरा लोन भी ले और तेरा इंटरेस्ट भी ले, चल बाय, मैं लोन रीपेमेंट भी कर दूं, आई रिपीट क्या कर दूं मैं लोन, जी बिल्कुल सही, अगर मैं लोन का रीपेमेंट कर भी कर दूं, फोकस करना, मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया, मैंने इंटरेस्ट दे दिया, इसके बाद ओनर कौन रहेगा कंपनी का, मैं ही रहूंगा, ये तो पक्की बात, कंपनी का ओनर नहीं रहूंगा। अब तुम इक्विटी के बारे में सोचना, धीरू भाई अंबानी को एक जमाने में, मित्रों काफी पुरानी बात है, एक जमाने में हमारे गुजराती भाई को पैसों की आवश्यकता थी और उन्होंने उस टाइम पे लोन नहीं लिया, धीरू भाई अंबानी ने सोचा नहीं 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 हम काम करेंगे, हम क्या लेंगे बेटा, हम तो शेयर्स देंगे सर, शेयर्स। अब धीरू भाई अंबानी को बड़ा पैसों की जरूरत थी, इन्होंने शेयर्स दिए लोगों को और लोगों से पैसा लिया कि भाई मेरे कंपनी का शेयर रख लो, मेरे कंपनी का शेयर रख लो, मेरे कंपनी का शेयर रख लो। आजकल तो क्या डीमैट फॉर्म में होता है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, मतलब प्रॉपर शेयर मिलता था, सो शेयर्स दिए और पैसे ले लिए। अब बड़ा इस बात को कई सदियां बीत गई कि धीरू भाई ने शेयर्स दिए थे लोगों को कि उनको पैसों की जरूरत थी, अब वो शेयर्स लिए, इतने साल बीत गए, 20, 30, 40, 50 इतने साल बीत गए, फिर भी रिलायंस बेटा आज भी वो जो 1-10 रुपए का शेयर था, आज भी रिलायंस बेटा उस शेयर के ऊपर उनको डिविडेंड देना पड़ता है, मतलब धीरू भाई अंबानी ने शेयर दिया था, डिविडेंड कौन दे रहे, अरे उनके बच्चे नहीं, अभी उनके पोतों की आ गई, पोते की जनरेशन आ गई, धीरू भाई ने शेयर लिया था, उन्होंने तो डिविडेंड दिया, बच्चों ने डिविडेंड दिया, बच्चे जाएंगे, पोते आएंगे, पोते भी डिविडेंड देंगे, पोते के बाद कोई और जनरेशन भी आई तो भी डिविडेंड चलता रहेगा, अरे एक बार क्या पैसों की जरूरत थी, तब पैसों की जरूरत थी, तब पैसा क्या लिया तुमने, मैंने तुमसे आज इतने साल हो गए, 40, 50, 60, 70 साल हो गए, आज भी डिविडेंड ले रहे हो, अच्छा और इतना डिविडेंड देने के बाद भी, अब अंबानी ऐसा नहीं बोल सकता आई एम द ओनली ओनर ऑफ रिलायंस, ना अब ओनर अंबानी भी है, उसके साथ साथ जिसने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया ना, आज उसका भी उस ओनर शेयर है, मतलब इतने साल से तो ये कंपनी डिविडेंड दे रही है, और इतना डिविडेंड देने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अब ये ओनर बन गए हैं, हाँ नहीं डिविडेंड दिया तुमको, चलो जाओ घर पे, चलो चलो डिविडेंड और जाओ घर पे, अभी आने का नहीं है सर, अगले साल वापस आएंगे,
मैं बोला कब तक आओगे? सर तब तक आएंगे जब तक ये कंपनी है, इनडेफिनेट टाइम सर, इनडेफिनेट टाइम, इनडेफिनेट टाइम पर आएंगे सर, जब तक तुम्हारी कंपनी है तब तक हम आएंगे डिविडेंड लेने के लिए। मतलब एक जमाने में पैसे उठाए थे, दादा ने डिविडेंड दिया, पापा ने डिविडेंड दिया, पोते पे आ गए और पोते को भी बोल रहे अगले साल हम वापस आएंगे। मतलब सोचो कितना महंगा गिरता है किसी को अपनी कंपनी का ओनर बना देना, अपने कंपनी का शेयर दे देना। सुबड़ा अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखोगे तो सबसे सस्ता है लोन। लोग 4 साल 5 साल 6 साल इंटरेस्ट दो 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 दो, उसके बाद लोन रिपेमेंट होने के बाद हम ही हैं इस कंपनी के ओनर। जब तक ये कंपनी है तब तक इस कंपनी के प्रॉफिट्स मेरे हैं, मेरा और किसी के नहीं है। ये कहा देखने को मिलता है जब तुम क्या लेते हो कमान एवरीबॉडी, बोलो बोलो, जब तुम क्या लेते हो लोन, लोन ले लिया तुमने, अब जो प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के रहेंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे रहेंगे, 5 साल 6 साल इंटरेस्ट भरो उसके बाद में रिपेमेंट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, तुम ही ओनर रहोगे। और सबसे कॉस्टली कौन है बोलो जल्दी से, सबसे कॉस्टली सर इक्विटी शेयर्स। ये इक्विटी शेयर्स बहुत महंगे रहते हैं, बहुत महंगे, इतने महंगे कि एक बार क्या दे दिए सदियों तक उसके ऊपर इंटरेस्ट चलता रहेगा, सदियों तक आपको उसके ऊपर डिविडेंड देना, इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड देना। और इतना देने के बाद भी तुम पूरे ओनर नहीं बनोगे, ओनर वही रहेंगे अभी। आई गॉट यू माय पॉइंट, एवरीबॉडी स्टॉप, आई गॉट यू पॉइंट एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? यहां तक बड़ा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जल्दी से कोई लाइक ठोको। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सस्ता कौन है और महंगा कौन है? तो ये गलत फहमी दूर कर दो कि इक्विटी सस्ती है, ये गलत फहमी दूर कर दो जल्दी से। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़ा जल्दी से लाइक ठोक दो फटाफट से। भाई क्या है मतलब यार, कम से कम 130 तो होने चाहिए, 2 मिनट बाकी है बेटा, 2 मिनट बाकी है अपने वीडियो को, लेक्चर खत्म होने के, तो 130 तक तो जाना चाहिए यार। 130 तक जा रहा तो मैं डांस कर देता था लोगों के लिए, है ना, मतलब छोड़ दो अभी। अब लेकिन दूसरी बात सर, अगर इतना ही महंगा है इक्विटी सर, अगर इक्विटी इतना ही महंगा है, आई रिपीट सर, इक्विटी इतना ही महंगा है, तो सर ये आजकल की कंपनी भी क्यों इक्विटीज देते हैं? हमने तो बहुत सारी कंपनी देखे सर जो इक्विटी शेयर कैपिटल पे जाते हैं, आज भी तो आईपीओ आता है सर। तो जो आपको पता है कि लोन सस्ता है, लोन चीप है, ये क्या उन कंपनी को पता नहीं होगा? उनको भी तो पता है सर कि लोन सस्ता है, क्यों सर फिर आज के भी अखबार में नया आईपीओ आया है? आईपीओ तो रोज आते ही रहते हैं सर, आज भी क्यों लोग आईपीओ कर रहे हैं? मतलब कुछ तो होगा ना इस इक्विटी शेयर में भी जो लोगों को, ये बड़े बड़े कंपनी आज भी इसको इश्यू करते। और यहां पे आता है बड़ा दूसरा पॉइंट, वो है रिस्क, वो है रिस्क। नहीं नहीं 130 नहीं, 130 नहीं नहीं बड़ा, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं 130 वो तब हुआ रहता तो होने वाला था, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं है, चलो फोड़ा, नहीं 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 बड़ा इधर कंसे करो, टाइम हो गया देखो, यस यस यस, नहीं नहीं 130 नहीं 129 है बेटा, देखो एक कम है और मेरा टाइम खत्म हो गया, टाइम के अंदर हो गया था, मैं नाचता था। अब याद देखेंगे बड़ा रिस्क, जहाँ लास्ट वाला पॉइंट फटाफट से देख लो, फटाफट से देख लो लास्ट वाला पॉइंट जान से, रिस्क देखना। अब बड़ा लोन कैसा है कि मान लीजिए मैंने लोन लिया और बच्चों अचानक से मान लीजिए आ गया कोविड और आ जाएगा, मतलब आज मध्यरात्रि 12 बजे से देश में लॉकडाउन है, मान लो बड़ा पूरा लॉकडाउन हो गया, अब मेरा बिजनेस गया, मैंने लोन लेके रखा था, मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, लॉकडाउन होने वाला है, रेंट के अंदर गया बिजनेस, कोई नहीं आने वाला, सब घर के अंदर रहने वाले, कौन आएगा मेरे एंटरटेनमेंट में? मान लीजिए अपने थिएटर है, थिएटर में पैसा लगा है, कौन आएगा उस मूवी में? इतने बड़े थिएटर रूम में क्या मैं ही देखते बैठू? मैं क्या देखूंगा पिक्चर में अकेले थिएटर में, क्या देखू? बंद, पूरा बिजनेस गया, पर मैंने तो लोन लिया था। अब लोन लिया बेटा तो एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा उसको, कम ऑन इंटरेस्ट, और है ना हर साल देना पड़ेगा, जो टाइम बोला है उस टाइम पे देना पड़ेगा। किसी दिन मान लीजिए तुमने कहा हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है, कोविड हो गया, नहीं हमको नहीं, हमको नहीं, हमारे देश को कोविड हो गया, बिजनेस बंद पड़ा है, लोन कंपनी प्लीज माफ, लोन बैंक बैंक माफ कर दीजिए, हम आपका इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। बैंक बोले लेकिन आपने तो लोन दिया था, इंटरेस्ट का टाइम हो चुका है, हां हमारा इंटरेस्ट चला नहीं, धंधा चल ही नहीं पा रहा जी, थोड़े दिन और रुक जाइए, बस थोड़े दिन और रुक जाइए, हम आपको आपका दे देंगे ना इंटरेस्ट। विश्वास की बात ना कर, विश्वास की बात ना कर, पिछली बार जिस बंदे ने धोखा दिया था उसी का नाम था विश्वास। विश्वास की बात ना कर, तूने लोन लिया था, आज इंटरेस्ट का डेट है, इंटरेस्ट कहाँ है? इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है इंटरेस्ट, नहीं है, कोई नहीं। अब ये तेरी कंपनी बंद, हम ऑर्डर लेके आते हैं, कंपनी बंद होगी, ये कंपनी के हम एसी बेचेंगे, तेरी मशीनरी बेचेंगे, तेरा लैंड बेचेंगे, तेरे फर्नीचर बेचेंगे और उससे हम पैसा वसूल करेंगे। मैंने कहा ऐसा करिए जी, प्लीज रुक जाइए। बोले हम क्या कर रहे हैं? आपको लोन दिया था
और लोन दिया टाइम पे इंटरेस्ट आना चाहिए, टाइम पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भाई हमने कुछ नहीं करना है, हमने तुम्हारा असर को बेचना है और हमारा पैसा हमको चाहिए। मतलब बड़े आप रिस्क कितना है, रिस्क हाईएस्ट कॉस्ट चीपेस्ट, कॉस्ट एकदम कम, सस्ते मिलता है जी, लोन सस्ते मिलता है, ले लो इंटरेस्ट दे दो। कुछ बच्चों को जैसे लोन भी तो महंगा मिलता है, 12-12% इंटरेस्ट लेते। बेटा इक्विटी के मुकाबले सस्ता है, इक्विटी में एक को ओनर बनाया ना, अब जब तक है रिलायंस तब तक है डिविडेंड, तब तक है डिविडेंड, जब तक है रिलायंस तब तक है डिविडेंड, क्लियर है? तो उसके मुकाबले तो अच्छा है ना लोन। हाँ सर, सब लोन चीप है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें रिस्क कि तुम किसी दिन नहीं दे पाए ना तो देयर इज नो ऑप्शन, तुम्हारी कंपनी का दिवाला निकल सकता है, बंद हो सकती है कंपनी। जैसे इक्विटी में नहीं बेटा, इक्विटी में मिनिमम रिस्क है, मिनिमम रिस्क। क्यों मिनिमम रिस्क? देखो बेटा प्रॉफिट है तो डिविडेंड दो, सर लॉस हुआ डिविडेंड मत दो, सिंपल। डिविडेंड देना चाहिए सब कंपल्सरी नहीं, डिविडेंड इक्विटी वालों को हम कहते वक्त ही बोलते हैं कि कुछ बच गया प्रॉफिट तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं है प्रॉफिट तो देने का कोई जरूरत नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं कि तुमको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से डिविडेंड दें? कोर्ट कैसे मान लीजिए आपका बिजनेस बंद हो गया, मान लीजिए अपन सब इक्विटी छोड़ लेते, तुम भी ओनर में भी ओनर हो, तुम मुझे आगे बोले हो सर क्या हो गया, वो थिएटर चालू किया था प्रॉफिट क्या है? मेरा प्रॉफिट नहीं, मेरा डिविडेंड चाहिए मेरे को। बोले ए बाबा आवाज तो कम कर, तू भी ओनर है मैं भी ओनर हूँ, हमने थिएटर चला नहीं, कोविड आ गया बंद था। हाँ तो क्या मेरा डिविडेंड का क्या? मैं नहीं डिविडेंड जा, ऐसा वैसे मैं कोर्ट में जा सकता, कोर्ट में जाके क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा नालायक तू ही तो ओनर है, खुद पे केस कर रहा है क्या? नहीं मेरे को इस कंपनी का जो ओनर है उसने डिविडेंड नहीं दिया, रहा नाले तू भी तो ओनर है, मिल बांट के खाएंगे, प्रॉफिट है तो सबका, लॉस है तो सबका, तो इक्विटी में टेंशन नहीं है। सो बड़ा जरा देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या पूछ रहे हम, कंक्लूजन पूछ रहे हम, ये है डेट, ये है इक्विटी, दोनों में से सस्ता कौन? डेट, इक्विटी क्या कॉस्टली, वेरी वेरी कॉस्टली, यस वेरी वेरी कॉस्टली। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो इकोनॉमिक हो गया कि कौन इकोनॉमिक है कौन नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं रिस्क कौन किसके बारे में, रिस्क के बारे में, रिस्क हाईएस्ट कहां पे? हाईएस्ट इक्विटी में नहीं, डेट में, ये हाईएस्ट रिस्क है, इसे तो सबसे चीप है, सबसे सस्ते मिलता है, इसलिए तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। रिस्क क्या है? किसी दिन अगर तुम बिजनेस नहीं चला तो कोई माफी नहीं मिलेगी, पूरा पैसा देना पड़ेगा, समझे जी सर। लेकिन इक्विटी केस में बड़ा रिस्क कम है, रिस्क इज मिनिमम, रिस्क इज मिनिमम इक्विटी केस में, रिस्क इज मिनिमम, प्रॉफिट है डिविडेंड दो, लॉस है नो डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और इसलिए डिविडेंड्स कुछ कंपनी जिनको लगता है कि उनके रिस्क बहुत है वो चलते हैं इक्विटी के साथ, उनको लग रहा है कि नहीं रिस्क है, चल भी सकता बिजनेस, नहीं भी चल सकता, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, तो ऑन द सेफर साइड दे गो विद इक्विटी कैपिटल, उनको लगता है कि इक्विटी कैपिटल ले लेंगे और बस प्रॉफिट है तो ले देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। कैसा विवान? और वही ऑन द अदर साइड डेट के बारे में, बहुत सस्ते मिलता है, बहुत सस्ते है, लेकिन रिस्क हाईएस्ट है। अगले साल मेहनत करेंगे, दुगनी मेहनत करेंगे और प्रॉफिट मिलेगा, इक्विटी वाले मान जाएंगे, लोन वाले नहीं मानेंगे। दो अपोजिट नेचर है, एक बहुत महंगा लेकिन रिस्क मिनिमम है, एक बहुत सस्ता है चीप है लेकिन रिस्क मैक्सिमम है। इसकी वजह से डियर स्टूडेंट आपको अपॉइंट किया जाएगा कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर, आपसे पूछा जाएगा भाई एक काम कर, अब तू हमको टेक्निकली बता कि हमने क्या करना चाहिए। तो हमको क्या कर, तो हमको टेक्निकली बता कि हमने क्या करना है, हमने लोन लू कि हमने ना लू, समझ में नहीं आ रहा। और फिर आपको उस कंपनी का एज ए फाइनेंशियल मैनेजर कंसल्टेंसी देना है टेक्निकली कि क्या उन्हें लोन लेना चाहिए, क्या उन्हें इक्विटी देना चाहिए, उन दोनों के लिए क्या बेटर रहेगा। सर ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों के लिए बेटर क्या रहेगा, ये जानने के लिए बेटा आपको कल आना पड़ेगा, कि कल स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट वाला पार्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर मैं इक्विटी लू या मैं लोन लू, या किस पर डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करेगा आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ये डिपेंड करेगा आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी पे, राइट? एंड हेंस एक कंपनी कभी लोन लेती है, एक कंपनी इक्विटी लेती है। आज भी आपको देखेंगे बहुत सारी कंपनी इक्विटी पे चलते हैं, बहुत सारी कंपनी लोन पे चलते हैं। ऐसा क्या है वो चीज जो एक डिसाइडिंग फैक्टर लोग काम कर रहा है? ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो डियर स्टूडेंट्स, आज तो बस ब्रीफ देखा हमने, ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कब लोन लेना चाहिए, कब इक्विटी लेना चाहिए, ये सारे बातों के ऊपर हमारा डिटेल में डिस्कशन होगा कल। आज डे टू था तो बस मैं थोड़ा सा, आपको हो सकता है कि आपको बहुत अलग लगा हो, नया चैप्टर था बेटा, बिलीव मी कल के लेक्चर में आप आना, मजेदार तूफान होने वाला है,
क्योंकि आप रियल लाइफ में इमीडिएटली कल से शुरू हो जाओगे, कल से तुम्हारा कंसल्टेंसी की दुकान बढ़ा चालू, कि तुम बोल पाओगे किस बंदे ने लोन लेना चाहिए और किस बंदे ने इक्विटी लेना चाहिए। इसके लिए मिलेंगे कल विथ द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसी एफएम की सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, पूरा इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, चारों दिन पांचों दिन जितने भी दिन डेमो है मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। फिर जब तुम डायरेक्टली रेगुलर बैच में आओगे तब मैं डेमो में नहीं था, सर मैं डेमो में नहीं था, सर मैं डेमो में नहीं था, बट मैं यहाँ पे जो जो पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्टली मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ कि तुम मेन बैच में, इसी से अपने को आगे कंटिन्यू करना है। तो एक दिन भी मिस मत करना, रिपीटेशन नहीं है, टाइम पे आना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं। बस बाकी एफएम में मैं करा दूंगा, बाकी तुमको लोड लेना नहीं। तो बड़ा आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने हमारा इंडेक्स देखा, इंडेक्स देखने के बाद मीडिएशन हमने देखा हमारे चैप्टर कौन से और उस चैप्टर का लॉजिक हमने समझा। लॉजिक के बाद हमने देखा कि तीन ब्रॉड डिसीजन लेने पड़ते हैं। उस तीन ब्रॉड डिसीजन में सर मैंने समझ लिया कि मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले ये सोचना कि फाइनेंस कहां से लाऊं, इक्विटी से लाऊं, लोन से लाऊं, क्यों कुछ लोग लोन प्रेफर करते हैं, क्यों कुछ लोग इक्विटी प्रेफर करते हैं, सर ये मुझे बेसिक में बता दीजिए। बेसिक मैंने बता दिया, एडवांस हम कल मिलेंगे, राइट। जैसे जैसे एक चैप्टर होते जाएगा डिस्कशन इमीडिएटली उसकी टेस्ट होगी, आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। नोट्स कैसे रहेंगे सर, कलर नोट्स रहेंगे, एफएम के भी मिलेंगे, एसएम के भी मिलेंगे, थ्योरी के भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल के भी मिलेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ मेरा टेस्ट सीरीज मिलेगी और सबसे मेन मेरा प्यारा लास्ट मिनट रिविजन चार्ट, एक जो मैंने एलएमआर चार्ट बनाया हुआ है, लास्ट मिनट रिविजन चार्ट, ये भी आपको मिलेगा। इसकी सारी चीज आपको मिलने वाली है, राइट, इन दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आई होप टू सी यू टुमारो, डोंट मिस इट, बिकॉज़ इट्स क्वाइट quite interesting. Until then, please take care. God bless you. Bye bye. Hard copy mein colored ki book milegi. Aditi, bilkul. Tejas, bilkul. Tejas, bilkul hoga. Padhai kar sab acche se ekdam zordar. Chale. Bye. Bye-bye. God bless you. कल मिलेंगे। अरे आज तो कुछ भी नहीं था, आज को बस इंट्रोडक्शन था, कल से रियल चैप्टर शुरू होने वाला है। मतलब मजा कल देखना, इससे चार गुना मजा होगा। मतलब नहीं आया ना तुम तो बोलना उसका एडमिशन नहीं मत लेना चाहिए। तो कल का लेक्चर से तुम देखो क्या लॉजिक रहेगा, बस कल टाइम पे आओ। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है संजय, नेगेटिव मार्किंग है, अपन इसके बारे में और बात करेंगे जब अपने टेस्ट सीरीज शुरू होती है। वंशी का डांस बेटा वो थोड़ा टाइम लिमिट के बाद हो गया ना, इसलिए नहीं तो मैं करने वाला था। बिल्कुल क्या बात है, वेरी गुड, चले बाय बाय एवरीवन, बाय।